ना भूलें। राजगढ़ जिले के राहतगढ़ वाटरफॉल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने वन व राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ राहतगढ़ वाटरफॉल का भ्रमण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ पर्यटन से संबंधित प्रस्तावित कार्यों के लिए संयुक्त निरीक्षण किया। राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहतगढ़ जल प्रपात हमारी धरोहर है, इसे रमणीक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है, जिससे सागर जिले के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों के लोग यहां आकर सुकून महसूस कर सके। यहां कैंटीन, पाथवे, मचान, कॉफी डे, बच्चों के खेलने के लिए स्थान आदि विकसित किए जाए, जिससे परिवार सहित लोग आकर सुकून महसूस कर सके। दक्षिण वन मंडल के राहतगढ़ वन परिक्षेत्र में बिना नदी प्राकृतिक रूप से बना जल प्रपात एक अत्यंत ही मनमोहक स्थल है। आसपास का परिवेश और हरियाली इसे और भी सुंदर बनाती है। ऊंचाई से गिरता पानी कर्णप्रिय ध्वनि उत्पन्न करता है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। विधानसभा में तो वाटरफॉल आता है, लेकिन सुर्खी के साथ साथ यहाँ रायसेन के, सागर के बहुत सारे लोग, जिले के और दूसरे जिलों के लोग घूमने के लिए आते हैं। इसकी बिल्कुल अनदेखी की गई। जब मैं विधायक था तब हमने यहाँ बहुत सारे काम कराए थे, जनपद के माध्यम से, जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से मैंने बहुत सारे काम कराए, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारा वाटरफॉल जीर्णहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज मेरी शुरुआत है, आप सब, मैं सारे लोगों को लेकर यहाँ आया हूँ। अधिकारी हमारे साथ में, वन विभाग के अधिकारी, राजस्व के अधिकारी साथ में, पर इसको सुंदर बनाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो भी पैसा बनेगा वो हम भी देंगे, कुछ पैसा हम दूसरे विभागों से लेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी एक साल के अंतर्गत हमारा सोचना है कि वाटरफॉल सुंदर बने और यहाँ बच्चे, माता पिता, युवा पीढ़ी सब घूमने के लिए आए। ये बहुत ही रमणीय स्थल है, हमारी विधानसभा क्षेत्र की, जिले की धरोहर है, ये बहुत सुंदर बने। इसकी शुरुआत इसको सुंदर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ जो भी संभव हो कुछ सुरक्षा की दृष्टि से भी हम कर रहे हैं कि यहाँ अच्छी फैंसी बन जाए, यहाँ पाथवे, यहाँ पर ओपन कैंटीन, यहाँ शेड, यहाँ व्यू पॉइंट, यहाँ मचान, जो भी एक टूरिस्ट प्लेस पर होते हैं। आदमी को जब यहाँ वाटरफॉल आए तो उसे टूरिस्ट प्लेस की अनुभूति होना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि हम वाटरफॉल के साथ साथ में बहुत कुछ आनंद यहाँ ले रहे हैं। बच्चे उससे खेलें, फिसल पट्टी पे खेल रहे हों, वो मचान पे बैठा हो, कैंटीन काफी डे का आनंद ले, संडे को आए, जब भी वो आना चाहे तो उसको रिलैक्स मिलना चाहिए और उसको लगना चाहिए कि हम राहतगढ़ एक सुंदर जगह घूमने के लिए। सर, क्या ये माना जाए कि वाटरफॉल को पर्यटन में ले रहे हैं? देखिए, पर्यटन ये चूँकि वन विभाग में आता है, इसलिए कुछ हम इसमें पर्यटन से राशि लेंगे, कुछ वन विभाग से लेंगे, कुछ जहाँ से भी बन सकेगा वो राशि लाने का काम हमारा है। हमारा उद्देश्य है हमारा वाटरफॉल बहुत सुंदर बने और सागर जिले ही नहीं, बाहर के लोग भी जब भोपाल जाएं, जबलपुर जाएं, यहाँ से निकलें तो उन्हें ऐसा लगे कि हम रुक के यहाँ 10 मिनट के लिए आनंद का अनुभव। भाई साहब, आप क्योंकि ये छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, आपकी शुरुआत हुई अभी, जेएनयू तो मुद्दा बहुत छाया हुआ है, जेएनयू में फीस बढ़ा दी गई, उसका विरोध चल रहा है, तो कितना आप इसको जेन्युइन मानते, कितना इतबार होते हैं फीस बढ़ना जायज़ है या नाजायज़ आती है? एक एक मैं चाहता हूँ कि छात्रों की फीस एक सीमा तक ही बढ़ना चाहिए। सरकारें जो होती हैं उनका काम ये नहीं है कि हम अपना सरकार की रेवेन्यू छात्रों की फीस के द्वारा वसूलें। हम दुख पक्ष में नहीं, छात्रों की फीस रीजनेबल होना चाहिए, उनके लिए जितनी बन सकती है सरकार को अपनी तरफ से सहायता देना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको सुविधा देना चाहिए। ये नहीं कि उनके उनके पैसे से हम अपनी सरकार विकास कार्य तो क्षेत्र में जितने भी संभव हुए हैं, पुराने जब मैं यहाँ विधायक रहा हूँ, जो हमारे जमाने में विकास कार्य हुए हैं, निर्माण कार्य हुए हैं, रोडें बनी हैं, पुलियां बनी हैं, स्कूल बनी हैं, अस्पतालें बनी हैं, उसके बाद से कोई विकास सुर्खी क्षेत्र में नहीं हुआ। अब सुर्खी क्षेत्र की जनता की बहुत अपेक्षाएं हैं और जो भी जहां संभव हो रहा है वो करने की शुरुआत मैंने की है। बहुत से काम हमने स्वीकृत किए हैं, जो काम चालू हो चुके हैं। आज जहां हम खड़े हुए हैं ये वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल में सुर्खी विधानसभा में तो वाटरफॉल ही आता है, लेकिन सुर्खी के साथ साथ में यहाँ रायसेन के, सागर के बहुत सारे लोग, जिले के और दूसरे जिलों के लोग घूमने के लिए आते हैं।
इसकी बिल्कुल अनदेखी की गई। जब मैं विधायक था तब हमने यहाँ बहुत सारे काम कराए थे, जनपद के माध्यम से, जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से मैंने बहुत सारे काम कराए, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारा वाटरफॉल जीर्णहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज मेरी शुरुआत है, आप सब मैं सारे लोगों को लेकर यहाँ आया हूँ, अधिकारी हमारे साथ में, वन विभाग के अधिकारी, राजस्व के अधिकारी सब साथ में, पर इसको सुंदर बनाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो भी पैसा बनेगा वो हम भी देंगे, कुछ पैसा हम दूसरे विभागों से लेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी एक साल के अंदर का हमारा सोचना है कि वाटरफॉल सुंदर बने और यहाँ बच्चे, माता पिता, युवा पीढ़ी सब घूमने के लिए आए। ये बहुत ही रमणीय स्थल है, हमारे विधानसभा क्षेत्र के जिले की धरोहर है, और ये बहुत सुंदर बने, इसकी शुरुआत मैंने आज की। सर, इसको सुंदर बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ जो भी संभव हो, कुछ सुरक्षा की दृष्टि से भी हम कर रहे हैं कि यहाँ अच्छी फेंसिंग बन जाए, यहाँ पाथवे, यहाँ कुछ ओपन कैंटीन, यहाँ शेड, यहाँ व्यू प्वाइंट, यहाँ मचान, जो भी एक टूरिस्ट प्लेस पर होते हैं। आदमी को जब यहाँ वाटरफॉल आए तो उसे टूरिस्ट प्लेस की अनुभूति होना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि हम वाटरफॉल के साथ साथ में बहुत कुछ आनंद यहाँ ले रहे हैं। बच्चे उससे खेले, खिसल पट्टी पे खेल रहे हो, वो मचान पे बैठा हो, कैंटीन काफी डे का आनंद ले, संडे को आए, जब भी वो आना चाहे तो उसको रिलैक्स मिलना चाहिए और उसको लगना चाहिए कि हम राहतगढ़ एक सुंदर जगह घूमने के लिए गए। सर, क्या ये माना जाए कि वाटरफॉल को पर्यटन में ले रहे हैं? देखिए, पर्यटन चूंकि वन विभाग में आता है, इसलिए कुछ हम इसमें पर्यटन से राशि लेंगे, कुछ वन विभाग से लेंगे, कुछ जहां से भी बन सकेगा वो राशि लाने का काम हमारा है। हमारा उद्देश्य हमारा वाटरफॉल बहुत सुंदर बने, और सागर जिले ही नहीं, बाहर के लोग भी जब भोपाल जाएं, जौलपुर जाएं, यहां से निकले तो उन्हें ऐसा लगे कि हम रुक के यहां 10 मिनट के लिए आनंद का अनुभव करें। वैसे आप चूंकि ये छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, आपकी शुरुआत हुई अभी, जेएनयू का मुद्दा बहुत छाया हुआ है, जेएनयू में फीस बढ़ा दी गई, उसका विरोध चल रहा है, तो कितना आप इसको जेन्युइन मानते, कितना इत्तेफाक करते हैं, फीस बढ़ना जायज है या नाजायज आपकी नजर में? एक मैं चाहता हूं कि छात्रों की फीस एक सीमा तक ही बढ़ना चाहिए। सरकारें जो होती हैं उनका काम ये नहीं है कि हम अपना सरकार की रेवेन्यू छात्रों की फीस के द्वारा वसूलें, हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है। छात्रों की फीस रीजनेबल होना चाहिए, उनके लिए जितनी बन सकती है सरकार को अपनी तरफ से सहायता देना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको सुविधा देना चाहिए, ये नहीं कि उनके पैसे से हम अपनी सरकार चलाएं। तो आप जेएनयू के छात्रों का समर्थन करते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ जेएनयू नहीं, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के छात्रों के लिए सरकारों की तरफ सुविधा मिलना चाहिए और उनकी फीस उतनी होना चाहिए जितने उनके परिवार का व्यक्ति वहन कर सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।